नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र सेन। खबर भरतपुर जिले के डीक से है। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर लूट की सूचना दी कंट्रोल रूम को। पुलिस जांच में सूचना निकली झूठी। डीक थाना क्षेत्र के गांव बहेज का है मामला। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने बदमाशों द्वारा ट्रैक्टर को जबरन छीन ले जाने की सूचना शनिवार की देर रात्रि को कंट्रोल रूम को दी। थाने के हेड कांस्टेबल भगवान सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात्रि लगभग 12 बजे मानवीर सिंह पुत्र जगो सिंह जाट निवासी बहेज ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी कि 4-5 बदमाश बोलेरो गाड़ी में आए और मुझसे जबरदस्ती ट्रैक्टर को छीन कर ले गए। उक्त सूचना पर मैं जाप्ता के घटनास्थल पहुंचने के साथ नाकाबंदी कराई गई। घटनास्थल पर शिकायतकर्ता के नंबर पर जब फोन किया गया तो मोबाइल बंद मिला। इस दौरान बहस से पहले आरटीओ चेक पोस्ट के सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जिससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लगभग 1 घंटे से यहां खड़ा हूं, इस तरह की कोई वारदात यहां पर नहीं हुई है। जब उस व्यक्ति का मोबाइल ऑन कराया गया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति ही शिकायत करता है। तत्पश्चात उसने अपने नाम मानवीर पुत्र जगो सिंह बताया और कहा कि मैंने शराब के नशे में गलती से फोन कर दिया था और कहा कि मेरा ट्रैक्टर यहीं खड़ा है। उक्त व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को जब्त किया गया। डीक से मुकेश जांगिड़ की रिपोर्ट।